अभी तो आप आए बाकी हम कहाँ जाएंगे वोट देने, जानते हमसे भगवान करे आप जीत के जाइए, हम लोग का आशीर्वाद है। हम भूल गए आपको, वैसा ही लोग कहता है इसलिए हम लोग बड़ा आक्रोश में बोलते हैं, सच्ची बात बोलते हैं। पुराना कांग्रेसी नेता है, ये दावे करते हैं। दिव्यांग मुखिया जी है, बहुत ही जवान है। हम पटना में शादी में गए गोर लगे चैन प्रभु, और एक प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि हम तो दिव्यांग मुखिया है, कैसे कैसे करके मुखिया हो गए, जनता का कृपा है, हमारी जनता को भी आशीर्वाद दीजिए। आपके पापा से हमको तो पारिवारिक संबंध है, ठीक है, इसलिए हृदय से आपका ये पावन दर्शन हो जाना ये अति सौभाग्य की बात है। हम आपका आगे है दर्शन की, कब से नहीं है दिव्यांग का मिलन, मुखिया से पहले भी इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार, सभी का स्वागत है। बहेरी के प्रमुख प्रतिनिधि नीतीश कुमार को देख सकते हैं और सिधौली पंचायत के मुखिया से वो बात कर रहे थे। लगातार सभी जगहों पर प्रचार प्रसार और सभी लोगों से मुलाकात प्रमुख प्रतिनिधि नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। साथ ही बहेरी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हो या फिर हायाघाट के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद चांद हो, सभी जगहों पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। रईस अहमद सिद्दीकी जो प्रखंड अध्यक्ष राजद हैं, इन सभी लोगों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्वागत सम्मान बलहा के क्षेत्र में किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। या फिर बलहा के खासकर पंचायत समिति प्रतिनिधि यहाँ पर गोविंद कुमार हों या फिर ऐसे में सभी लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आज प्रचार प्रसार देर रात तक किया गया। देवीपुर में पहुंचकर सुनील कुमार हो या फिर ऐसे तमाम लोगों ने सनी हजारी का स्वागत सम्मान किया है और लोगों से सनी हजारी ने अपने लिए आशीर्वाद मांगा है। यह क्षेत्र मझोलिया पंचायत हो या फिर सिमे सिंहपुर गाँव हो या फिर दक्षिणी मलीपट्टी पंचायत, ऐसे में रतनपुरा गांव हो, गोसरम्मा हो, ऐसे तमाम जगहों पर जाकर खासकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनी हजारी। सनी हजारी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से। देख सकते हैं सनी हजारी खुद यहाँ पर पांव छू छू कर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। मुकेश पासवान हैं जो उनसे बात कर रहे हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यह किस उद्देश्य से समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं और क्या मांग रहे हैं जनता से अपने लिए आशीर्वाद। सभी युवाओं का जुनून देख रहे हैं, रात्रि मित्रा राशि में सभी युवा उनके साथ घूम रहे हैं। अभी हम लोग देवीपुर गाहर में है, गांव गांव में देवीपुर चौक पर अभी है, इसके बाद गांव में जा रहे हैं। अभी हम लोग का प्रोग्राम साधुपुर रमोली तक चलेगा, रमोली गांव में ही चलेगा, इनके बाद प्रत्याशी घर जाएगा। क्या कैसा माहौल लग रहा है, आप तो प्रमुख इतने दिनों से लग रहे हैं, कैसा माहौल रहा है आपके क्षेत्र में? आप तो देख रहे हैं अभी भी एक तो मोटरसाइकिल और चार चक्का गाड़ी 10 गो साथ में है, जुनून से ही पता आपको चलता होगा जो कितना लोग यहाँ इसमें शामिल है, युवाओं का साथ दे रहे हैं। हम लोग का समाज का बेटा है, बेटा के नाते सभी लोग साथ दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि इनके पिता के किए हुए काम को इनको फायदा मिल सकता है क्या? फायदा मिल रहा है और मिल सकता है। अच्छा, कैसे कैंडिडेट हैं आप, कैसे क्या बताना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को? बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, इनको तो हम नजदीक से जानते हैं, खानपुर के प्रखंड प्रमुख रहे हुए हैं, हम लोग के साथी थे, हमेशा बातचीत होते रहते थे। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार यादव, प्रमुख प्रतिनिधि बहेरी। कहाँ कहाँ अभियान चल रहा है आप लोगों का? देखिए आज हमारे समस्तीपुर लोकसभा के प्रत्याशी, कांग्रेस के और महागठबंधन के प्रत्याशी सन्नी हजारी जी का हायाघाट के धरती पर जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम था, जिसमें सन्नी हजारी ने विभिन्न गांवों में विभिन्न पंचायतों का दौरा किया, कई सारे मुखियाओं से, कई आवामों से और बहुत सारे लोगों से, हर जाति हर धर्म के पास जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। मुखिया जी और पंचायत समिति हमारे जहां भी पंचायत में गए, वहां के प्रतिनिधि, वहां के आमजन, वहां के आवाम, वहां के समाज, वहां के स्थानीय लोगों से आशीर्वाद लिया, दुआ लिया। कहां से शुरुआत हुआ था और कहां खत्म हुआ? यह शुरुआत हायाघाट बिलासपुर से हुआ था, जो रसलपुर गया, घोसरम्मा बांसडी के होते हुए पौराम रजौली सजौली होते हुए, उसके बाद यह मझोलिया सिमैसीपुर देवीपुर बलहा और चंदनपट्टी तक वह खत्म हुआ है। तो यह यात्रा था, काफ़ी ज़बरदस्त यात्रा था और लोगों में एक जोश देखने को मिला जो कांग्रेस के और महागठबंधन के साथ ही जिस तरह से बाइक की रैली निकाले, आपने देखा कि आज का जो बाइक का रैली, हमको लगता है कि अपोजिशन देख लेगा तो उनको लगेगा कि इतनी बाइक कहां से आई, और जो नारा लोगों में लग रहा था, जो आशीर्वाद लोगों का मिला है, जिस तरह से लोग उनको आशीर्वाद दे रहे थे, तो हमें लगता है कि हमारे प्रत्याशी अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं।
तो इसलिए यह दौरा अभी चल ही रहा है और कई पंचायतों में और अभी चलेगा, हम लोग जनसंपर्क अभी कर ही रहे हैं। ये बताएं कि क्या लग रहा है कि आपके जो उम्मीदवार हैं उनके तरफ कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, आज का जो दौरा हुआ है, चूंकि आपने भी उसको नोटिस किया होगा, उस दौरा में जो लोगों का पकड़, लोग ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया और खुद आगे बढ़ बढ़ के बच्चे छियाने छोटे सब लोग ने जिस तरह से सन्नी हजारी जी आए हैं, लग रहा था कि महागठबंधन के प्रत्याशी आए हैं, लोग खुद नहीं आता है हम क्यों काट देंगे भैया। पासवान छथिन, ओरिजिनल पासवान हजारी जी के हम तो आप ही को पहचानते हैं। अभी तो आप आए बाकी, हम कहाँ जाएंगे वोट देने, जानते हम से भगवान करे आप जीत के जाइए, हम लोग का आशीर्वाद है। हम भूल गए आपको, नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा ही लोग कहता है, इसलिए हम लोग बड़ा आक्रोश में बोलते हैं, सच्ची बात बोलते हैं, पुराना कांग्रेसी नेता है, इरादे करते हैं। अरे चांद लोकल है, समझिए बाहरी कुछ कह चल जाएगा, नहीं आएगा लोकल है एकदम। अपना उम्मीदवार है क्योंकि हाथ छाप के आप लोग है, अपना आशीर्वाद दीजिए, सब लोग एकजुट होके बारह बरान अपने लोग के लिए दीजिए, काम करें आप लोग के साथ रहे भैया। जलिए कि नहीं पप्पू आए पीछे है ठीक है से भैया चेहरा है और लोकल है, समझे ना, फवारा नहीं है, समझे प्लेन से आएगा और चल जाएगा, फिर आगे बैठ जाए। सब लोग के पूरा सोच समझ के एकदम बटन दबे किया है, हाथ छाप के बटन दबे, मतलब घर के बेटा लोकल छे अपने के बीच के कांग्रेस पार्टी हाथ छाप उम्मीदवार चलिए भैया आगे से गाड़ी काम समाप्त हो गया है।